कोई भी किसी को कुछ ना सिखा सकता है, ना कोई भी किसी को कुछ सिखा पढ़ा सकता है। इंसान जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो सीखता है, जो नहीं सीखना चाहता वो नहीं। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मोटिवेट कर दीजिए, मोटिवेट। अब मोटिवेशन बेकार चीज, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मोटिवेट आप किसी को नहीं कर सकते। जो चाहता है, हाँ सैल्यूट बॉस, बजाज साहब जबरदस्त आदमी है। तो क्या होता है कि आप मोटिवेट नहीं कर सकते, आप इंस्पायर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि जो जो चाहता है वो करेगा, हर हाल में करेगा। जो नहीं चाहता उसको आप भाई कुछ भी कर दो, वो चाहता ही नहीं, करना ही नहीं चाहता, वो करेगा ही नहीं। कुछ भी आप दे दो वो दुनिया भर रोता रहेगा, बहाने करेगा, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं काला, मैं गोरा, मैं लंबा, मैं मोटा, मैं ये। और जो करना चाहता है उसको उसको टेंशन नहीं, वो कहीं से भी इधर से उधर से घुस घुसा के कहीं से भी जाके वो डन डन आके बोलेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, सबको मालूम है सब कुछ, बस मेरा काम है कि जिस तरफ आपका ध्यान नहीं है मैं आपका उस तरफ ध्यान दे दूँ। मतलब मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपसे जब भी हम बात करते हैं उसके बाद में हमारे माइंड में इतनी तेजी में आइडियाज आते हैं, इतनी तेजी में बैटरी चार्ज हो जाती है, बाद में इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशंस आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं कि आपको बिलीव बनाए खुद भी नहीं उनका ध्यान उस तरफ था। तो वो कह रहे कि वो चार्ज हो जाते हैं एक तरीके से, जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी तो बैटरी को चार्ज कर दो फिर उसके वाइब्रेशन और उसका पावर बढ़ जाती है। तो ऐसे ही लोग मुझसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे थोड़ी देर सर आपसे बात करते हैं तो एकदम माइंड में आइडियाज जनरेट होने लगते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, कह रहे अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो कह रहे कि आपका जो साथ है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इधर से जो निकलता है उधर एकदम खट से पहुंचता है। ठीक है, तो आज देखिए दो तीन चीजें नोट करेंगे, कल हमने जो था लेट्स क्विक रिव्यू, अब रिव्यू लिया करूंगा मैं ऐसे खाली मुली में, सब ऐसे झेझे करता रहता हूँ। और बताओ तो चले कि कुछ याद है कि नहीं, बताइए व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे, हमने क्या कल कल क्या सीखा था। तो देखें कितने लोगों को ध्यान है, कल हमने किन किन टॉपिक्स पे बात की थी, पता चला सब खा गए। सोशल मीडिया का जमाना है और 2 मिनट में सब गायब। ठीक है, नहीं याद, कमेंट कमेंट करें, कमेंट चैट चैट में बताएं, चैट में भाइयों और बहनों चैट में बताइए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये डायलॉग भाइयों और बहनों ये किसका है डायलॉग? ये बहुत सारे लोग बोलेंगे मोदी जी का है भाइयों और बहनों, लेकिन नहीं, ये डायलॉग है स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने शिकागो में जब पहली अपनी स्पीच दी थी तो उसमें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत बहुत चला था, ये बहुत जबरदस्त डायलॉग है। कोई भी चीजें किसी की भी अच्छी है लेना चाहिए, कोई भी हो, है ना, कंपीट नहीं करना है, डोमिनेट करना है। इफ यू वांट टू लर्न इन योर लाइफ यू मस्ट लर्न टू डोमिनेट, यू कैन नॉट कंपीट। आपको कंपीट नहीं करना है, आपको क्या करना है, डोमिनेट करना है। डोमिनेट का मतलब छा जाना है पूरी तरीके से, ओमिनी प्रेजेंट बनना है हर जगह, कहां कहां है, कौन है, ऑफिस कहां, कौन है ना, दिमाग पे हर जगह राज करना है। राज, डोमिनेट की हिंदी होती है राज करना, डोमिनेट करना। कितने लोग हैं जो डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेट जिनकी निगाह में अच्छी चीज है वो चैट में लिख दें आई, जो लोग डोमिनेट का फेवर करते हैं आई लिखें, आई जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट टाइप आई जल्दी लिख दें। 2 मिनट का वेट कर रहा हूं, बस मैं स्टार्ट कर देता हूं अभी चैट बॉक्स में आई लिख दें। कोई भी डोमिनेट नहीं चाहता है, सिर्फ एक डॉक्टर साहब का आया आई बस, बाकी सब कंपीट करेंगे। भाई आप बताइए कॉम्पिटिशन अच्छी चीज है कि खराब चीज है? आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कॉम्पिटिशन तो अच्छी चीज है, बट बिलीव मानिए कॉम्पिटिशन अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो लोग कंपीट करते हैं ना वो दूसरों को देखते हैं, और आप दूसरे को देखेंगे तो फिर आप खुद क्या करेंगे? आप दूसरे को देख रहे हैं, दूसरा दूसरा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरे को कुछ मिला नहीं मिला, फिर क्या होगा, आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उसको 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 10 में मिल गए 5 मार्क्स और आपको मिल गए 6, तो आप संतुष्ट हो जाएं, है ना। कंपीट में क्या है, सामने वाले को आप देख रहे हैं और उसने काम किया नहीं किया वो फिर पीछे हो जाएगा। और डोमिनेट में आपको परवाह ही नहीं, दुनिया कहां पे है कहां नहीं, आप सिर्फ अपने पे लेजर फोकस, जैसे घोड़े के नहीं ऐसे होता है, ऐसे लेजर फोकस्ड, आप सिर्फ सुबह उठे रात दिन आप बस अपने गोल्स, अपने सपने, अपनी अपनी दुनिया में मस्त, आपको परवाह ही नहीं दुनिया में कहां पे क्या हो रहा है, कब ठंड हो रही है, कब जाड़ा हो रहा है, कब मौसम बदल रहा है, आपको पता ही नहीं आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, आप इतना सो बिजी,
ये चीज अच्छी है कि वो दूसरे को देख रहा है, उसने उसने काम किया नहीं करा, उसने पास हुआ नहीं हुआ, वो तो फिर वो नहीं करेगा तो फिर आप भी पीछे पड़ जाओगे। हाँ ठीक है, कितने लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर ली अपनी अपनी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली वो वाई लिख दें, वाई वाई मतलब यस, वाई वाई यस 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 के लिए वाई लिखिए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिन्होंने अपनी, कल हमने बात की थी ना एक्टिविटीज के बारे में, मुझे मालूम है नहीं करेंगे कोई भी कुछ भी। एक है पत्रकार साहब, बस पत्रकार साहब दिल से सैल्यूट आपको, बाकी कोई भी नहीं है बताइए, और मेन वही है। आप ये बताइए, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि जनसाधारण का सामाजिक मानसिक, अगर मेरी हिंदी बहुत ठोस हो जाए या मेरी इंग्लिश बहुत वैसी हो जाए या उर्दू के कुछ वर्ड्स आ जाएं या संस्कृत के कोई वर्ड्स आ जाएं, कुछ भी हो, या ठेठ देहाती भाषा आ जाए, अगर कोई भी चीज समझ में ना आए ना तो मुझे कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं हो कि वो बाउंस जा रहा है ऊपर से जा रहा है, पूछते रहिए। तो जनसाधारण का सामाजिक मानसिक नैतिक चारित्रिक शैक्षिक बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास यानी डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस हैं अब डेली डेली आपसे, तो आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके उद्देश्य हैं। देखिए मैं फिर वही पे आ जाता हूं घूम फिर के, मैंने फिर कहा है कि इफ यू डोंट एम समथिंग, मतलब आपके पास उद्देश्य है नहीं, पर्पस है नहीं, गोल है नहीं, लाइफ का मकसद नहीं है, तो कैसे कैसे आपने संस्था खोली, उसका कोई मकसद होगा, उसका कोई पर्पस होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई गोल्स होगी, तो वो क्या है आप बताइए, मुझे बताइए आपके पर्पस गोल्स एम मकसद क्या है लाइफ के, आपकी संस्था के, आपके क्या है, कहाँ जाना है, आपकी आपकी निगाह कहाँ है ना। हाँ टारगेट लाइफ, टारगेट टारगेट किसको करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, बस किधर जा रही है, आप ट्रेन की विंडो पे जाते हैं और आप कहते हैं भाई साहब एक टिकट दे दीजिए, या बस में आप बैठ गए, कोई भी बस है कहीं पे भी जा रही है उसमें बैठ गए आप बताइए कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको पहले एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, मुझे पता है मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, आगे आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैं कहाँ पहुंचूंगा। जो लोग मुझे काफी टाइम से जानते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं मुझे काफी टाइम से, वो उन्होंने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, और अभी 2 से 5 साल में जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाला हूं, क्योंकि मैं लगा हुआ हूं, मैं हूं मिशन पे, मैं हूं टारगेट पे, मैं हूं, एक पर्पस है मेरी लाइफ में मेरे। हाँ क्या है, प्लीज पुट योर जूम वीडियो इन ग्रुप इफ आई मिस। हाँ तो मैंने ये बता रखा है अगर आपकी मिस हो जाती है वीडियो तो वो आपको मिल जाएगी ना दोबारा, वो मिल जाती है, चैनल अगर आपके पास है चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन वो मेंबर्स के लिए है, मेंबरशिप वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा तब वो ओपन होंगी, ऐसे नहीं हो पाएंगी सबके लिए, क्योंकि ये सब बहुत कीमती चीजें हैं, ये मैं ऐसे ऐसे ही नहीं डाल सकता हूं। खैर तो अब आप पहले नंबर पे अपना पर्पस मकसद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, तो अब आप नोट करते रहिए मैं जो बोल रहा हूं, नंबर 1 पे डालिए, नंबर 1 जनसाधारण का सामाजिक मानसिक नैतिक चारित्रिक, इनको इंग्लिश में हम बाद में कर लेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में दिया कीजिए, इंग्लिश में हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं जो लिखा रहा हूं वो आपके पास एक 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 मैप, एक खाका, एक फ्रेम तैयार हो जाए जिससे आप उसमें वर्क कर सकते हैं। तो सामाजिक मानसिक नैतिक चारित्रिक शैक्षिक बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना है, क्योंकि आज भी मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं सर हमको, आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री को आप टारगेट करेंगे, आप क्या सारी मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, आप क्या सारे ऑफिसेज में चले जाएंगे, आप क्या सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर लेंगे। भाई आपको 1 2 3 4 मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं, अगर किसी को कोई डाउट है तो उसमें लिख दीजिए डी, डी फॉर डाउट है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा कीजिए। अब कितने लोग हैं जो अपना कॉलेज स्कूल खोलना चाहते हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं, बालिका विद्यालय खोलना चाहते हैं, मदरसा खोलना चाहते हैं, आश्रम खोलना चाहते हैं, महाविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, प्राथमिक खोलना चाहते हैं, प्ले वाला खोलना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, उच्च स्तर की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो ये एक हो गया आपका पर्पस, एक उद्देश्य। तो आपके उद्देश्य कितने हैं, कितने लोगों के पास उद्देश्य हैं, जिनके पास उद्देश्य हैं वो लिखें कम चैट में लिखिए आई, जिनके पास उद्देश्य हैं अपने पर्पस,
अगर आपके पास अपने मकसद नहीं है, डॉक्टर साहब के पास उद्देश्य है, और ठीक है, और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट टाइप किए, जिनके पास उद्देश्य है तो वो तो अच्छी बात है, जिनके पास पर्पज है, मकसद है, मीनिंग है लाइफ का, कुछ कुछ है ना, कि क्या करना है, पहले नंबर पे पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे बाद में आएगा, कैसे की टेंशन मत लिया करिए, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि करना क्या है, बाकी ईश्वर बहुत बड़ा है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, वो देता है जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, कहां से देता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भेज देगा, ऐसे इंसान भेज देगा, ऐसी जगह से देगा जहां से आपने सोचा तक नहीं होगा, और ऊपर वाले के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे आपके पास कमी है, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं, ना ज्ञान की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं भाई साहब, बिलीव मानिए, हमारे आपके पास कमी है, क्यों, क्योंकि हम सोचते शॉर्टेज में है, हमारे जो माइंडसेट है, हमारा जो सोच है वो शॉर्टेज पे है, स्केयरसिटी माइंडसेट है, इसको बदल के कैसे अबेंडेंस माइंडसेट सेट करें, अबेंडेंट का मतलब है कि हर चीज प्रचुर मात्रा में है, बहुतायत में है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत है, बहुत सोच से बहुत ज्यादा विभाग, सोच से बहुत ज्यादा मिनिस्ट्रीज, आप जितनी सोच भी नहीं सकते उससे बहुत ज्यादा स्कीम्स, सोच नहीं सकते बहुत ज्यादा लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं बिलीव मानिए, जो बहुत हेल्पफुल, पैसे का मुंह नहीं देखते, 10-20-50 हजार जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी निगाह में होंगे, या वो खुद भी होंगे कि 10-5 हजार रुपए की उनको सर्दी गर्मी नहीं है, 10-5 हजार रुपए ऐसे ऐसे पता ही नहीं कहाँ फेंक दें, हैं, फूंक देते हैं, उड़ा देते हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए, अरे आप चलिएगा मेरे साथ, मैं ले चलूंगा आपको ऐसी ऐसी जगहों पर, दुबई में आप जाएंगे, दुबई में आप बिलीव मानिए, बार में, डांस में, मतलब फर्जी में, ऐसे ऐसे लाखों रुपए 1 घंटे में, स्वाहा उनके पास अरबों खरबों रुपए है, सऊदी से गए हैं वो, वहां पार्टी है, 1 घंटे में लौट के आते हैं, लाखों रुपए वारे न्यारे 1 मिनट में वहां पे, अपनी आंखों से देखा मैंने, लेकिन क्या है कि एक लिंक हो, एक कांटेक्ट हो, अब आपके पास ऐसी संस्था है, अच्छे लोगों को इंस्पायर करना आता हो, तो मैंने वही आपसे कहा था कि 3 चीजें आपके पास बहुत जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, आपको इनकम स्किल्स सीखने की जरूरत है, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, तो 3 चीजें कौन कौन सी थी, कल हमने बात की थी, कौन सी 3 स्किल्स थी, कौन याद दिलाएगा मुझको, प्लीज रिमाइंड मी मैन, यू फॉरगॉट, भूल गए, हैं, भूला, आवाज आती है कहीं से, नहीं पीछे से कहीं से, कहते भूला, भूल गए भाई, 3 स्किल्स बताई थी, नंबर 1 पे था सेल्स, नंबर 1 पे था सेल्स, दूसरा था क्लोजिंग, नंबर 3rd था फॉलो अप, तो सेलिंग आना चाहिए, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, आपको खुद को बेचना आना चाहिए, बेचना मतलब, बेचना इन द सेंस कुछ बेचना नहीं है, बेचना होता है परसुएशन, निगोशिएशन, कन्विंस करना, किसी को परसुएट करना, निगोशिएट करना, है ना, हाउ टू कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट का मतलब क्या है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस करना, सामने वाले को समझाना नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं देना है, उसको पटाना नहीं है, अपनी बात को, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी संस्था को एक्सप्रेस करना, बहुत सारे लोग हैं बोल ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते, तो ये एक कमी है, क्योंकि आप एज ए लीडर, एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन में है, बहुत बड़ी चीज है ये, तो इसको इसको प्रोफेशन में लीजिए,